हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम जी। शोएब साहब बात कर रहे हैं जी? बात कर रहा हूँ मैं शोएब साहब, सब इंस्पेक्टर राजा परवेज बोल रहा हूँ, SIUCIA सदस्य कंप्लेंट ब्रांच से। जी 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 सर, वो स्टेटमेंट के सिलसिले में पहले भी आपको एंट्री करवा चुके हैं, तो अभी भी इंचार्ज साहब ने बोला कि इनको एंट्री करवाएं। भाई तो मैं स्टेटमेंट के लिए आपके पास आ जाऊं, लेकिन इससे पहले CCPO साहब मुझे FIA सेंटर में भेज चुके हैं, जिन्होंने कहा कि जी हमारी ज्यूरिडिक्शन में, आपको ये बात पर पहले भी बता चुका हूं। फिर ABLC में उन्होंने मुझे भेज दिया, ठीक है ना। फिर अब आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की जब ज्यूरिडिक्शन में आती नहीं है, तो CCPO साहब ये जहमतें क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं उनको कह चुका हूँ कि ये सारा का सारा मैटर है, आप या तो फेडरल किसी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से आप इसको सेटल कराएं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि आप मतलब जो रिटायर्ड जज की कंपनी है सिटी कोर्ट के अंदर, वहां पे थाना एक FIR नहीं काट रहा है पिछले 5 सालों से, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। वो रिटायर्ड जज की कंपनी जाली रसीदें फराहम करती है, मेरी मरी हुई माँ को जिंदा कर दिया जिनकी डेथ कनाडा के अंदर हुई है, आप FIR काट सकते हैं तो मैं आ जाता हूँ। FIR तो जहाँ ज्यूरिडिक्शन बनती है वहीं सर वही काटेंगे, बस यही है ना। मेरे आने का फायदा क्या है सर? हमारे पास तो सर एप्लीकेशन आई थी, इसलिए आपको रास्ता वो भाई मुझे चक्कर कटवा रहे हैं बिला वजह के अंदर, ठीक है ना। और मैं चक्कर मार मार के थक गया हूँ, कभी इधर भेज देते हैं कभी उधर भेज देते हैं। आप उनको बताएं कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो थाना है, उन्होंने कहा है कि उस थाने के अंदर इन्फॉर्म करें खाली, एक ठीक है ना। बोले सबसे पहले उनकी कोई एक FIR तो कटवा दे, 5 साल से लेकर अब तक एक FIR नहीं कटवा सके हैं वो कभी इधर फेंक देते हैं कभी उधर फेंक देते हैं। आप इसी तरीके से उनको मेंशन करें, ठीक है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।